उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस मंच पर हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। बोला भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे और जितने लोगों के फेसबुक है सभी फेसबुक पर लाइव होनी चाहिए। योगी जी बात कर रहे हैं, जब सभी लोगों के फेसबुक पर लाइव जाने चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी श्रीमान चिंता सभामूर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, और अगर मैं कह सकता हूं कि इस हैदराबाद को भाग्य नगर में बदलने के लिए विशेष रूप से आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहे गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री पी राजा सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पी मुरलीधर राव जी, पार्षद श्री शंकर श्री यादव, पूर्व मंत्री श्री राम स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान बी एल संतोष जी, मंच संचालक ठाकुर रवि सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से आज यहां पर पी राजा सिंह जी के समर्थन में आप सब से अपील करने के लिए आया हूं। मित्रों, मैं जानता हूं कि किन विपरीत परिस्थितियों में वे यहां पर राष्ट्रवाद के झंडे को लेकर के मजबूती के साथ जमे हुए हैं। मैंने कई बार आने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर मेरे कार्यक्रम में यहां की सरकारें रोड़ा अड़काती थी, लेकिन चुनाव के बहाने ही हिंदू विरोधी विकास विरोधी सरकारों को परास्त करने का लोकतंत्र एक अधिकार हमें देता है, और इसीलिए मैं आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं कि यहां पर श्री टी राजा सिंह पिछले कई वर्षों से जिस मजबूती के साथ आपके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उसे देखते हुए आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि गोशामहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से न केवल उन्हें बार बार चुन करके जाना चाहिए, अब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बना करके आप एक बार यहां पर भी वैसे ही परिवर्तन लाने का प्रयास करिए जैसे देश के अंदर अन्य भागों में देखने को मिल रहा है। मित्रों, आप सब इस बारे में जानते हैं कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में चुनाव करा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7 दिसंबर को तेलंगाना और राजस्थान विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव प्रचार को नजदीक से देखा है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। मिजोरम पूर्वोत्तर, इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों का एक प्रमुख राज्य है, और आप सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि आज से पहले, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट की स्थिति क्या थी, जहां पर देश के शेष नागरिकों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या अन्य क्षेत्रों के लोगों को अगर कभी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना पड़ता था, कांग्रेस ने वहां पर परमिट सिस्टम लागू किया था, बिना परमिट के कोई नहीं जा सकता था। लेकिन उस नॉर्थ ईस्ट में भी आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहा है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
वहां सरकारें सरकारों का संचालन हो रहा है, तो जब 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आएगी। एक व्यापक परिवर्तन देश के अंदर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक क्यों? मित्रों, अगर आम नागरिक के जीवन में सुधार लाना है, जीवन स्तर को उठाना है, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र सहारा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन की जिस नींव पर इस देश के अंदर राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने और उसको सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाया है, उस अभियान में तेलंगाना की भूमिका भी होनी चाहिए। और अगर हैदराबाद को भाग्य नगर के रूप में बदलना है तो फिर मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला करके दिखाइए। मित्रों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है, भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस में यही अंतर है। एक तरफ आप देखते होंगे किसी कारण से आपके पूर्वजों ने संघर्ष के बल पर इस तेलंगाना की भूमि को निजामशाही से मुक्ति दिलाई थी। मित्रों, निजामशाही से मुक्ति के दिवस को उल्लास के साथ इस तेलंगाना में मनाया जाना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि हमने निजामशाही से मुक्ति पाकर के भारत गणराज्य का अंग बन करके भारत के योग्य नागरिक के रूप में हम पूरे देश के अंदर अपनी यात्रा को निर्विघ्न पूरा कर सकते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, भारत माता की संतानें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यहां पर कांग्रेस टीआरएस आपके निजामशाही से मुक्ति के दिवस को उस दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहती, क्योंकि उन्हें वोट बैंक का खतरा, उनका वोट बैंक इससे गड़बड़ाता है। उन्हें भय है कि अगर वह आपके स्वाभिमान और सम्मान के दिवस को मनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाए, और मुस्लिम वोट बैंक के भय से वे लोग आपके सम्मान दिवस को भी नहीं मनाना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के वर्तमान गणराज्य के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक सरदार सरोवर के तट पर बनाने का कार्य किया है, उसी तर्ज पर निजामशाही से मुक्ति का अभियान का कार्यक्रम और उस दिवस को मनाने का कार्यक्रम यहां पर होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। अगर ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होती तो मित्रों, देश के अंदर कहीं भी कोई आतंकी घटना घटित होती है, उसके तार इस हैदराबाद से जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते। कौन लोग हैं जो आईएसआई के साथ, आईएसआईएस के साथ, या फिर उन आतंकी संगठनों के साथ अपने रिश्ते जोड़ने का कार्य करते हैं जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और आज हम सबको तय करना होगा, यह देश भारत की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध नौजवानों के बल पर चलेगा, या फिर आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी भी प्रकार के अपराध का समर्थन करने वाले कांग्रेस, पीडीपी और टीआरएस की उन मुस्लिम तुष्टिकरण भरे उन कार्यक्रमों के आधार पर जो इस देश को विभाजन के कगार पर ले जाने की दिशा एक खड़ंत्रकारी प्रयास किए जा रहे हैं। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, ये चुनाव हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास है। आप याद करिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? कांग्रेस के समय में इन पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों को, कांग्रेस के समय में बिरयानी
गिनाया जाता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम एक एक पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों को ठोक करके गोलियों का निशान बना करके जिसका वो हकदार होना चाहिए था उसको उसका वो हक देने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, देश की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को बता रही है, उस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। इस देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक कैसे मिलनी चाहिए यह कार्य भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है। आपने देखा होगा 4 वर्ष में मोदी जी ने 2 करोड़ परिवारों को आवास दिलाए, 4 करोड़ परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए, 8 करोड़ महिलाओं को उन्होंने रसोई गैस के एलपीजी के निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए और 12 करोड़ परिवारों को जिनके पास अपना टॉयलेट नहीं था एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, इस देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा की गारंटी देने का कार्य किसी ने किया है तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस से पूछ लीजिए, आखिर ये कार्य वे भी कर सकते थे? टीआरएस कांग्रेस का सहयोगी दल केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट में रहा है, टीडीपी आंध्र प्रदेश में कई बार शासन की है, कांग्रेस को देश और प्रदेश में कई बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इनको कभी भी इन मुद्दों पर कार्य करने की इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विकास की योजनाओं को किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के आधार पर नहीं, इस देश के नागरिकों के लिए, चाहे वह कोई भी हो, अगर वह उसका पात्रता रखता है, हमने योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था, टीआरएस के समय ऐसा नहीं होता था और ये लोग उसी तर्ज पर आज कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के रूप में उनका वक्तव्य आया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, इस देश का गरीब कहां जाएगा, इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का नागरिक कहां जाएगा, इस देश का सामान्य नागरिक कहां जाएगा? कांग्रेस तुष्टीकरण पर खेल करके देश के हितों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, टीआरएस उसी तर्ज पर कार्य कर रही है और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आप इस बात को देख सकते हैं कैसे उन्होंने विकास का जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया है कि मुसलमानों के लिए अलग से हम बोर्ड बनाएंगे, लोकतंत्र में मत और मजहब के आधार पर विभाजन की रेखाएं देश के लिए अत्यंत खतरनाक है और इसीलिए आप सबको मैं संकल्प दिलाने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं यहां पर आप सभी लोग अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, अपने कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी श्री टी राजा सिंह के साथ में हैं, कोई संदेह नहीं, और मैं इसीलिए आपके माध्यम से पूरे तेलंगाना में एक संदेश देने के लिए आया हूं और संदेश हमारा एक ही होना चाहिए। मित्रों, वह संदेश होना चाहिए जिसे हम बजरंगी संदेश कहते हैं, वह बजरंगी संदेश जिसका कोई विकल्प नहीं। जब बजरंगबली हनुमान जी लंका माता सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जब रामेश्वरम के तट से श्रीलंका की ओर छलांग लगाई तो बीच में मेनाक पर्वत खड़ा होता है, हनुमान जी से कुछ देर तक विश्राम करने के लिए आग्रह करता है। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उनके आग्रह को ठुकराया था और एक ही बात कही थी कि राम काजो की नहीं बिनो मोई कहां विश्राम, और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा। मित्रों, इस देश के अंदर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल का बयान आपने देखा होगा जिसमें उनके द्वारा यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट
जाती है और कहा जाता है कि 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई न हो। मित्रों, देश की न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को कैसे कड़घरे में खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा और अपील एक ही करूंगा, इतनी भारी संख्या में आप सामने हैं, इस ओर हैं, चारों ओर जहां भी मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी लोग खड़े हैं, मैं आप सबसे अपील करूंगा, इतनी भारी संख्या अगर आपकी है, ये भारी संख्या आप सबकी, अपने साथ पांच पांच मतदाताओं को नए जोड़ लीजिए, पांच पांच नए मतदाता अपने साथ जोड़िए। और 7 दिसंबर को पहला कार्य भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल निशान पर पहला वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोल करवाने के बाद हम अपना कोई दूसरा कार्य करेंगे। अगर आपका ये संकल्प हो जाएगा तो मित्रों, कोई कारण नहीं कि इस विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से टी राजा सिंह भारी मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। कांग्रेस, टीआरएस और अन्य दलों के प्रत्याशियों की जमानतें होंगी जब्त, और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनेगी, जो सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए कार्य करेगी। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करती है। टी राजा सिंह ने यहां पर बहुत कार्य किया है, आपके हितों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, और मेरा यह मानना है कि जो लोग यहां पर चुनौती देते हैं कि बगैर हमारे कोई सरकारें बनेगी नहीं, और जो लोग इस बात को कहते हैं कि कोई भी सरकार बने लेकिन वे हमारे पास घुटने टेकेंगे, इन सबको निजाम की तर्ज पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यही अपील करने के लिए हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, आज मैं प्रातः काल से देख रहा हूं जगह जगह जिस प्रकार का उत्साह पूरे तेलंगाना में देखने को मिला है, एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मैं इसे मान सकता हूं। और मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी श्री टी राजा सिंह जी के नेतृत्व में गोशामहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद पूजनीय आदरणीय योगी जी और उनकी सारी टीम का, और धन्यवाद आप सभी, नम्र निवेदन कर आपका आभार। एक बार के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। जय माता नरेंद्र मोदी जी एलबी स्टेडियम में 4 बजे पधार रहे हैं। सभी हम हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सभा में उपस्थित होकर उनकी सभा को सफल बनाएं। और आज तो हिंदू भाई यहाँ पर उपस्थित होकर इस जनसभा को नरेंद्र आदित्यनाथ जी की सभा को सफल बनाए। मैं सभी हिंदू भाइयों का हृदय पूर्वक भाई राजा सिंह जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी भाइयों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।